somebody's worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. But we get nothing. कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। राम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। विरासत पर टैक्स, मुश्किल में कांग्रेस। जी हां, चुनावी दंगल के बीच मंगलसूत्र और संपत्ति के मुद्दे पर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने संपत्ति के अधिकार का मुद्दा फिर उठाते हुए सैम पित्रोदा के बयान पर वार किया। सैम पित्रोदा कांग्रेस की इकाई इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सैम पित्रोदा ने अमेरिका में संपत्ति के अधिकार को लेकर बयान दिया था। पीएम ने उसी बयान को लेकर अब कांग्रेस को घेरा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। उन्होंने क्या कहा ये तो आपने सुना ही, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कहा कि शहजादे के सलाहकार जिस तरीके से बातें करते हैं उससे साफ दिखता है कि देश को लूटना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, अंबिकापुर में मौजूद हैं पीएम मोदी और अंबिकापुर में जनता को संबोधित करने के दौरान उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान पर निशाना साधा और कहा कि अब संपत्ति पर भी कांग्रेस की नजर। तो सैम पित्रोदा के बयान पर जो है लगातार सियासत छिड़ी हुई है और ऐसे में अब आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। शहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदबा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार, इस शाहबाद परिवार के शहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले किया कहा था और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। तो ये तो आपने सुन ही लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। सैम पित्रोदा का वो बयान भी सुन लीजिए जिस पर सियासत छिड़ी हुई है, जिस पर सियासी बवाल हो रहा है, सुनिए। 38 ईयर ओल्ड पार्टी बी लेबल्ड एज अ मैनिफेस्टो ऑफ मुस्लिम लीग, इट हैज नथिंग टू डू विद मुस्लिम, देयर इज नॉट इवन अ वर्ड इन देयर। सो फर्स्ट थिंग आई वुड से is I am ashamed of my Prime Minister. He is a pathological liar. His team is lying about this manifesto. How can I trust people like this?
who lie through their teeth and also feel. तो सुना आपने क्या कहना था सैम पित्रोदा का, लेकिन ये भी जान लीजिए कि जो ये विरासत कर जिसका जिक्र सैम पित्रोदा ने किया कि अमेरिका में लागू है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा कर देते हैं। जो ये विरासत कर है जिसे इनहेरिटेंस टैक्स भी कहा जाता है, ये टैक्स ना केवल अमेरिका में बल्कि जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, इसके अलावा इटली, बेल्जियम, ऐसे कई राज्य है, कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर लगते हैं। स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ग्रीस, नीदरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, इटली, ऐसे कई कंट्रीज हैं जहां पर जो विरासत टैक्स है वो लगता है। इसके बारे में भी आपको जानकारी साझा कर रहे हैं। जापान में अगर देखें तो 55% टैक्स लगता है विरासत कर जिसे कहा जा रहा है। साउथ कोरिया में 55% विरासत कर लगता है, फ्रांस में 45% विरासत कर, अमेरिका में 40%, स्पेन की बात करें तो स्पेन में भी लगता है 34%, इसके अलावा जापान में भी लगता है विरासत कर। जापान की अगर हम बात करें तो जापान में भी विरासत कर लगता है, नीदरलैंड में, फिनलैंड में, डेनमार्क में, आयरलैंड में भी जो विरासत कर है वो लगता है। इसके अलावा और भी ऐसे कई देश हैं जहां पर विरासत कर लगता है। जर्मनी की बात करें अगर तो जर्मनी में भी विरासत कर लगता है 30% तक, नीदरलैंड में भी 20% लगता है। तो ऐसे वो तमाम देश हैं जहां जहां पर विरासत कर लगते हैं वो प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जहां का हवाला सैम पित्रोदा देते नजर आ रहे थे, अमेरिका, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी केंद्रीय स्तर पर इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता, सिर्फ 6 राज्यों में, आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड और न्यू जर्सी के साथ साथ पेंसिल्वेनिया में टैक्स लगता है। तो कहां कहां पर विरासत टैक्स लगता है और सैम पित्रोदा ने क्या कहा और क्यों इस पर सियासी बवाल छिड़ा हुआ, यह हमने आपको बता दिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से राय रखेंगे। अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। उज्जवल दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। और रायपुर भी हम जाएंगे, सीधे रायपुर में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मैं कांग्रेस का स्टैंड लेना चाहूंगी। अजय जी, सैम पित्रोदा ने जो कहा उस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? व्यक्तिगत बयान है, जिस प्रकार से माननीय मोदी जो भारतीय जनता पार्टी इस बयान को कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ के जनता में जो झूठा भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, ये आपत्तिजनक है। आज वही मोदी जी हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। आज हमारे उनसे प्रश्न पूछे गए, उसका जवाब देने का नैतिक साथ नहीं है। आज पहली बार छत्तीसगढ़ में उनको रात गुजारने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पूरी तरह डरी हुई, घबराई हुई, बौखलाई हुई है। उन्हें पता है कि 4 जून को देश की जनता उनकी विदाई तय कर चुकी है। जिस प्रकार के, पहले देखिए, एक विशेष संप्रदाय के लिए कमिटमेंट, आज हमारे मनमोहन सिंह के बयान के बारे में पहले भी गलत बयानबाजी भी की, हमने स्पष्ट रूप से उनका वीडियो वायरल किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा देश के संसाधनों पे, देश के संपत्ति पे प्रत्येक वर्ग का, चाहे एसटी हो, एससी हो, अल्पसंख्यक हो, जो महिला है, युवा, हमको बराबर संसाधन बांटने चाहिए। नहीं, आपके, आपके मैनिफेस्टो में संपत्ति को लेकर एक जो बात जिक्र किया गया वो मैं आपको याद दिला देती हूँ। उन्होंने ये जिक्र किया आपके मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात मेंशन है कि सत्ता में आने पर आय और संपत्ति की असमानता, संपत्ति की असमानता के मुद्दे पर विचार करेगी। और ऐसे में जब सैम का ये बयान सामने आता है और सैम पित्रोदा जब ऐसी बात कहते हैं कि अमेरिका में तो विरासत कर भी लगता है, तो क्यों ना जोड़ा जाए? आप इसका जवाब दे दीजिए। व्यक्ति के बयान को हमारे घोषणा पत्र से जोड़ने के सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। देखिए, देश के संविधान के आर्टिकल 39A और 39B, ये देश का संविधान कहता है कि देश के संपत्ति, देश के संस्थानों को सारे व्यक्तियों बराबर वितरण होना चाहिए। जो वर्तमान इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े आए हैं, जो 1% लोगों के पास देश की संपत्ति का 60% है, देश के 22 लोगों के पास देश की 70 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपत्ति है, क्या यह आर्थिक असमानता उचित है? इन मोदी जी के 10 सालों में देश में आर्थिक असमानता चरम पे है। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, महिला, युवा, इस पर भी मैं बात करूंगी। उज्जवल दीपक जी हमारे साथ हैं।
ठीक है, मैं इस पर भी बात करूंगी। उज्जवल दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उज्जवल दीपक जी, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का कि डरी हुई है बीजेपी और इसीलिए इस तरह के मुद्दों को उछाला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस की जो लूट का विजन है वो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आप कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में डर गई है बीजेपी छत्तीसगढ़ में? देखिए, बचपन से ट्रकों के पीछे हमने देखा है, लिखा हुआ रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। कांग्रेस पार्टी की जो बुरी नज़र है देश के मेहनत कश लोगों की संपत्ति पर, तो उनका मुंह काला होना चाहिए। ये ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक सुसाइडल मिशन पे जा रही है, और जिंदगी के पहले, जिंदगी के बाद नहीं, मरने के पहले, मरने के बाद भी सारी संपत्ति गांधी परिवार, शाही परिवार के पास आनी चाहिए, ऐसा इनका टारगेट, ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप बताइए, सैम पित्रोड़ा जी का बयान आप सबने देखा, सैम पित्रोड़ा जी राजीव गांधी के समय से सलाहकार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कहते आई है कि टेलीकॉम क्रांति के जनक हैं, आज वो एक बयान देते हैं, आज वो एक बयान देते हैं तो वो निजी बयान हो गया। ठीक है, तो एक निजी बयान हो गया। आपने कहा कि संपत्ति को बांटा जा रहा है, आपने कहा कि संपत्ति पर नजर है कांग्रेस की। जब भारत की तरफ से ये कहा जाता है कि हम उन शक्तिशाली देशों में शामिल हो गए हैं, अमेरिका, रशिया, ऐसे बड़े बड़े शक्तिशाली देश, उनकी लिस्ट में हम शामिल हो चुके हैं, हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, एक समय हम बहुत नीचे थे, अगर हम अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं और वहां की कोई बात छेड़ दी गई है तो क्यों इतना बुरा लग गया बीजेपी को? अगर बात करें संपत्ति कर की, तो जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, चिली, ग्रीस, नीदरलैंड, फिनलैंड, इन हर देशों में है। और अगर नहीं है, और अगर नहीं भी चाहते संपत्ति कर के लिए, तो इसका तोड़ भी तो है। चाहिए कि संपत्ति बांट दे। कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा करना चाहती है तो करे, सरकार आने पे करे ना, सरकार तो आ नहीं रही है तो कैसे करेंगे इन लोग? उज्जवल दीपक जी, चार शिकारी वाले हमने करेंगे कांग्रेस की बात है। अजय गंगवानी जी, मेरा मेरा बयान को अजय गंगवानी जी, अगर आप चाहते हैं डिबेट शांतिपूर्ण तरीके से हो तो मुझे टोकिए मत, नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अजय गंगवानी जी, मेरे से बात कर लीजिए, आपका प्रश्न कहते आपका समय है, मैं आपको बोलने दूंगा। अजय गंगवानी जी, मुझे टोकिए मत, आप आपके पास मुद्दे नहीं है, आप मत बोलिए। ठीक है उज्जवल जी, मेरे समय में मत टोकिए। अब मेरा अजय जी से मेरा सवाल है। अजय जी, सवाल यह है कि ऐसा वक्त है जब चुनाव का माहौल है और ऐसे वक्त में ही सैम पित्रोदा का बयान संपत्ति को लेकर, विरासत कर को लेकर जब आ रहा है, तो क्यों ना जोड़ा जाए उसको कांग्रेस पार्टी से? क्या आप कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, तो क्या आप कांग्रेस से नहीं जोड़ते सैम पित्रोदा को? आपने दरकिनार कर दिया है। अंशिका जी, महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर क्यों नहीं बात करना चाहती? मोदी जी दो एक रात यहाँ बिताते हैं, तीन तीन यही तो मुद्दा है, क्यों ना यही मुद्दा है आज का? उज्जवल जी, यही तरीका है, बांट जाएगी। सुन लीजिए, मैं शब्द नहीं बोलूंगा आपके बारे में, ये तरीका अंशिका जी गलत तरीका। उज्जवल जी, आपने मुझे टोका, मैं आपको, मैंने बोला अगर आप मेरी बारी में टोकेंगे आपको बात कर रहा हूं। ठीक है उज्जवल जी, एक सेकंड, चेतावनी है आपको, प्लीज मेंटेन रखिए, अगर आप मेरे बारी में टोकेंगे आपको नहीं बोलने दूंगा, बदतमीजी आप कर रहे हैं। ये चाहते हैं ठीक है उज्जवल जी, उज्जवल जी मैं आपके पास आऊंगी दोबारा, अजय जी आप बोलिए। देखिए, आपने मुझे टोका, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अच्छा, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो पूर्ण सम्मान करना प्रवक्ता का। ठीक है ठीक है उज्जवल जी, प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज उज्जवल जी एक सेकंड रुक जाइए। अजय जी, अगर अजय जी ये वादा करते हैं कि मेरे बारे में नहीं बोलेंगे, मैं उसके लिए बोल दूंगी, प्लीज आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। अजय जी देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि आज देश का किसान सड़कों पे, 750 किसान की हत्या के बाद ये वही प्रधानमंत्री जो एमएसपी के गारंटी की बात करते हैं, आज वो एमएसपी गारंटी के बारे में शब्द नहीं कहना चाहते, इनके मैनिफेस्टो में उसकी कोई बात नहीं की जाती। ये वही चिंतामणि महाराज है जिसके लिए मोदी जी और सारे लोग आरोप लगाते रहे। ये चिंतामणि महाराज को संविधान से टिकट देते हैं, आज एसीबी जो एफआईआर में नाम दर्ज था उसको हटा देती है, तो क्या भ्रष्टाचारी जुटाव पार्टी है? ये वॉशिंग पाउडर में देश के भ्रष्टाचारी को मिटाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज विश्वेंद्र शाह सरकार को 4 महीने हुए हुए, 10 लाख पेड़ हरदेवाड़े में काट दिए गए, क्या बोलेंगे आप? देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि जनगणना की बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता आज ध्रुवीकरण के लिए
और लोगों में भ्रम फैलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करना पूरी तरह से आपत्तिजनक है। कहीं भी हमारे मैनिफेस्टो में अच्छा, आपका ये कहना है अजय जी कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी है सैम पित्रोदा की, आप ये कह रहे हैं? 100% पर दो चीजें देखिए महत्वपूर्ण है। क्या आज मोदी सरकार के आने के बाद 81 करोड़ लोग देश के 67% लोगों को इनको मुफ्त राशन देना पड़ता है और बहुत गर्व से बात शेयर करते हैं, क्या ये देश का विकास है? मुझे बता दीजिए, आज मनी इंडेक्स में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका से नीचे है, क्या इसको देश का विकास मानते हैं? तो क्या 27 करोड़ लोगों को 10 साल कोई नहीं अंशिका जी, मेरा एक ही निवेदन है आप ये प्रयास न करें। कांग्रेस ने ऐसी कभी कोई बात नहीं की संपत्ति की, और उन्होंने आर्थिक असमानता को दूर करने की बात की, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी संसाधनों को सही ढंग से बांटने की बात की है। अगर जातिगत जनगणना होगी, आर्थिक और सामाजिक जनगणना होगी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो ये बात लिखी गई कि आय और संपत्ति की असमानता के मुद्दे पर विचार किया जाएगा, इसका क्या मतलब निकाला जाए? बहुत बहुत अच्छे से मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देश के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आर्टिकल 39A 39B, ये देश का संविधान कहता है कि देश के जो संसाधन है, देश की संपत्तियां है, उनको सही ढंग से वितरण किया जाना चाहिए। आज प्रत्येक व्यक्ति, अगर 140 करोड़ जनसंख्या है देश की, सबको बराबर का मौका देना चाहिए। क्यों एक पूंजीपति मित्र 10 साल के अंदर 609 नंबर से दूसरे स्थान पहुंच जाता है? क्या ये देश का इंसाफ है? ये देश का संविधान क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के लिए सोचना पड़ेगा। तो क्या सिर्फ अल्पसंख्यक ही इस देश में रह रहे हैं? अंशिका जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको बयान वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक मंच पर कहा, आप दोहरा दीजिए, आप ही दोहरा दीजिए मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो में हमारा पॉइंट ये है कि हम आर्थिक और सामाजिक जनगणना करेंगे। जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, वो SC हो सकता है, SC हो सकता है, महिला हो सकती है, युवा हो सकती है। हमने हर वर्ग की बात की। कहीं ना कहीं जो वोटों के धुलकने के लिए माननीय मोदी जी इस प्रकार के विशेष संप्रदाय की बात करते हैं, आपको बहुत जीवन आपत्ति दर्ज करते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री की गरिमा, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी अजय जी, ठीक है, बने रहिए, बने रहिए, आपने अपनी बात रख दी। उज्जवल जी क्या कहेंगे? अंशिका जी, कांग्रेस, मेरे कांग्रेस प्रवक्ता जो मित्र हैं, उनके मुताबिक संविधान के मुताबिक संपत्ति का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, आपका जो कहना है हम यकीन कर लेते हैं आपकी बात पे, कि जो संपत्ति है, बड़े लोगों की संपत्ति लेके आप गरीबों में बांटने वाले हैं, जो मेहनत का हुआ है, किसान है, महिला है, जो गहने हैं, उन सबका फिर से अजय जी कंट्रोल कीजिए। ठीक है, तो आपका ये कहना है, आप इस बात को साबित कर रहे हैं, और सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि जो संपत्ति है, मरने के बाद भी 55% संपत्ति जो है सरकार के पास जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, फिर ये झूठ बोलेंगे तो विरोध करूंगा। जो मठ मंदिर का पैसा है, जो मठ मंदिर का पैसा है, ये संपत्ति में से देना चाहते हैं, ये झूठ बोलेंगे जनता में देना चाहते हैं। अजय जी फिर बोल रहा हूँ, उज्जवल जी, सैम पित्रोदा का एक ट्वीट भी आया है अभी, उनका ये कहना है जो मैं देख पा रही हूँ, उसमें वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कौन बोलेगा, उसमें ये कहा जा रहा है कौन बोलेगा। हाँ हाँ उज्जवल जी, ट्राई कर लीजिए। हाँ ठीक है उज्जवल जी, मुझे नहीं बोलने देना चाहती, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उज्जवल जी, ट्राई कर लीजिए अंशिका जी, पहले आप रूल स्थापित कीजिए यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मुझे बार बार टोक रहा है, मैं आपकी डिबेट खराब करने की चेतावनी दे रहा हूँ। नहीं नहीं अजय जी नहीं बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, आप ही बोल दीजिएगा, आप ही बोलिएगा, लेकिन एक अपडेट बोल रहे दे देती हूँ। बार बार बोलने के बाद वो बोल रहे हैं, नहीं नहीं ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, नहीं डिबेट नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक है ठीक है, एक एक कर आप बोलेगा अंशिका जी, पहले आप स्थापित कीजिए इस बात को। हाँ नहीं ठीक है, एक एक करके आप लोग बोलिएगा। आप दो बार बोल चुके हैं, ये कहना है उज्जवल जी, माना जा रहा है, मैं लगातार बोलूंगा, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा अंशिका जी। ठीक है, सैम पित्रोदा का ये कहना है कि बीजेपी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा रही है। अरे मैं बता रहा हूं वो क्या बोल रहे हैं, इन अमेरिका 55% ऑफ टैक्स इज टेकन एज इनहेरेंट टैक्स आफ्टर द डेथ ऑफ समबडी, व्हाट डज दैट मीन? हम क्या इन्फ्लुएंस निकालें इन बातों का? साफ साफ कह रहे हैं, वीडियो है, पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री ने भरी सभा में कहा कि जिंदगी के पहले भी, जिंदगी के बाद भी, मरने के पहले भी, मरने के बाद भी, कांग्रेस सारी संपत्ति शाही परिवार को देना जा रही है। नेशनल हेराल्ड में जो संपत्ति है, पहले कांग्रेस ये बताए कि जो अकूट धन उन्होंने इकट्ठा किया है छत्तीसगढ़ के ATM से जो इकट्ठा किया है, क्या वो संपत्ति रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी लोगों के बीच में? मेहनत कश युवाओं पे जो टैक्स भर रहे हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं कमाई करके, जो उद्योगपति जो मेहनत कर रहे हैं, जो किसान हैं जो खेती करके कमाई कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं जिनको दहेज में गहने मिले, उनके मंगलसूत्र जो हाजी अली दरबार में उसको देना चाहते हैं, अजमेर शरीफ में देना चाहते हैं। ठीक है उज्जवल जी, आप सीडी और तिरुपति बालाजी का पैसा
आप पहले बताइए कि क्या मरने के बाद 55% पैसा लोगों का काटा जाएगा, पहले इस बात को बताएं। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही स्क्रिप्ट को लेके बार बार बात करते हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, मणिपुर, अदानी अंबानी, वो मुद्दे की बात करें, सैम पित्रोदा का ये मुद्दा नहीं है, कैसे हो गया महंगाई मुद्दा? उज्जवल जी रुक जाइए, उज्जवल जी रुक जाइए, एक सेकंड, सैम पित्रोदा अगेन, अजय गंगवानी जी, ठीक है उज्जवल जी, इनके अंशिका जी बात आ गई, इनके फिर से मत नहीं नहीं उज्जवल जी, एक सेकंड, उज्जवल जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सवाल मेरा भी, एक सवाल मेरा भी, अजय जी कांग्रेस ये कहती है, कांग्रेस ये कहती है कि मौजूदा सरकार ने 20 तरह के टैक्स ला दिए, जनता पे महंगाई की मार डाल दी, जीएसटी को आप लोग गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, तो ये विरासत टैक्स का जिक्र जो सैम पित्रोदा ने किया उसके लिए आप खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं, आप सीधा ये कह दे रहे कि ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, क्यों उन पर ही छोड़ दे रहे हैं? देखिए अंशिका जी बहुत महत्वपूर्ण है, आज जीएसटी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 28% जीएसटी देश पे थोपने वाले लोग और जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा करके ये देश का विकास मानते हैं, और ऐसे लोग आज कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए काम करने वाले लोग आज देश के किसान, देश के गरीब, देश के मजदूर के हक की बात करने पे इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये सिर्फ पूंजीपति मित्रों की बात करेंगे, ये हम दो हमारे दो की सरकार चलाने वाले लोग कभी सच को स्वीकार नहीं करेंगे, इनको तकलीफ हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का चेतन है। लेकिन अजय जी सवाल ये है कि जब कांग्रेस के किसी भी कलेक्टेड पीपल का कोई भी बयान आता है तो उससे बड़े नेता किनारा क्यों कर लेते हैं, आप लोग क्यों नहीं उसके लिए सामने आते हैं? टिप्पणी हो गई है, ये बहुत देखा जाता है, इनको शांत करेंगे, बोकार बता रही अंशिका जी, ये फंस चुके, ये गलत बयानबाजी करके झूठ बोल के आपके चैनल फंस चुके, इसलिए कंटिन्यू बात कर रहे हैं, अगर नैतिक शांत तो शांत हो जाइए, ठीक है मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, आप लोग अगर इसी तरह बोलते रहेंगे तो किसी की बात, किसी की भी बात नहीं समझ में आएगी, ठीक है आप लोग रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए, आपको पहले साबित करनी चाहिए थी, चलिए मेरे पास समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सैम पित्रोदा का जो बयान सामने आया और अब उस वीडियो को लेकर सियासत छिड़ गई है, तो प्रधानमंत्री एक तरफ जहां सरगुजा में मौजूद थे उन्होंने बड़ी बातें की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि ये हमारी कोई बात नहीं है, हमारा कोई बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये उनकी अपनी राय है, देखना होगा आखिर ये मुद्दा आगे कहां तक जाएगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है।